हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइसेप्स टेंडोनाइटिस के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के बारे में। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं बाइसेप्स की एनाटॉमी को। सो व्यूअर, जो बाइसेप्स मसल है वो हमारे आर्म के आगे वाले हिस्से में होता है जो कि कंधे से लेकर कोहनी तक जाता है। इसके दो हेड होते हैं, पहला होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और दूसरा होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। सो व्यूअर्स, बात करते हैं बाइसेप्स के फंक्शन की। तो बाइसेप्स मसल का मेन फंक्शन होता है हमारी कोहनी को इस तरीके से मोड़ना, जिसे हम एल्बो फ्लेक्शन कहते हैं। सुपिनेटर मसल के साथ मिलकर ये हमारी हथेली को इस तरीके से ऊपर की तरफ लाता है, जिसे हम फोरआर्म सुपिनेशन कहते हैं। बाइसेप्स मसल का सेकेंडरी फंक्शन होता है हमारे शोल्डर को फ्लेक्स करना, यानी कि इस तरीके से मोड़ना। सो व्यूअर, जो बाइसेप्स टेंडोनाइटिस है वो हमारे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स के टेंडन में देखने को मिलता है। टेंडन वो हिस्सा होता है जो हमारे मसल को हड्डी से जोड़ता है। सो व्यूअर, जब बाइसेप्स के लॉन्ग हेड के टेंडन में सूजन आती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो बाइसेप्स टेंडोनाइटिस डेवलप होता है और पेशेंट को शोल्डर के आगे वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है। सो व्यूअर, जो बाइसेप्स टेंडोनाइटिस है वो देखने को मिलता है ओवरहेड और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एथलीट्स में, जैसे कि स्विमिंग, वॉलीबॉल, रैकेट स्पोर्ट्स जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, और जो लोग हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, स्पेशली हैवी बेंच प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्स करते हैं, पुलअप्स करते हैं, ओवरहेड प्रेस करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे बाइसेप्स टेंडन पर ओवरलोड के कारण जो है इन्फ्लामेशन डेवलप होता है और एक कंडीशन हो सकती है। जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं या राइटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं, उनमें भी बाइसेप्स टेंडोनाइटिस देखा जा सकता है। पाल्पेशन यानी कि पेशेंट को बाइसिपिटल ग्रूव एरिया में जब हम छूते हैं तो पेन महसूस होता है। इसी के साथ साथ जब हम बाइसेप्स मसल को स्ट्रेच करते हैं और बाइसेप्स मसल पर जब हम लोड डालते हैं तो भी पेशेंट को दर्द महसूस होता है। सो व्यूअर्स, अब बात करते हैं हम बाइसेप्स टेंडोनाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। सो व्यूअर्स, बाइसेप्स टेंडोनाइटिस को ट्रीट करने के लिए आपको हर 4 से 5 घंटे में करीब 15 से 20 मिनट के लिए आइसिंग करनी चाहिए। इससे इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन कम होगी और दर्द कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जिन एक्टिविटीज़ से आपका दर्द बढ़ रहा है और टेंडन पर लोड आ रहा है, उनसे आपको रेस्ट लेना चाहिए। और साथ ही जो एक्सरसाइजेज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, उनको यदि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेज हमें बाइसेप्स टेंडोनाइटिस के केस में करनी चाहिए। इस स्ट्रेच में आप अपने हाथ को इस तरह पीछे दीवार पर प्लेस करें और अपनी ट्रंक को सामने की तरफ रोटेट करें। आपको आगे की तरफ देखना है। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें। इस स्ट्रेच को आप 3 बार दोहराएं। इस पोजीशन में बाइसेप्स मसल स्ट्रेच होगा। स्लीपर स्ट्रेच के लिए आप साइड लाइंग पोजीशन में लेटकर दूसरे हाथ की मदद से अपने रिस्ट को फ्लोर की तरफ लेकर जाएं। इस एक्सरसाइज से शोल्डर का पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होता है। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 3 बार इसे रिपीट करें। इस स्ट्रेच में आपको अपना हाथ 90 डिग्री पर इस तरह रखना है और जिस तरफ के मसल को आप स्ट्रेच करेंगे उसी तरफ के पैर को आपको आगे लेकर जाना है। इस स्ट्रेच से हमारे पेक्टोरिस मेजर के जो मिडिल फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच होंगे। इस स्ट्रेच को आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे और एक बार में आपको करीब 30 सेकंड तक स्ट्रेच को होल्ड करना है। अब आप अपने हाथ को कंधे के लेवल से ऊपर ले जाकर प्लेस करें और वापस से पहले की तरह स्ट्रेच को 2 से 3 बार दोहराएं। आपको एक रेपिटेशन में स्ट्रेच को करीब 30 सेकंड तक होल्ड करना है। अब आप हाथ को कंधे से नीचे प्लेस करें और पहले की तरह ही स्ट्रेच को दोहराएं। इस स्ट्रेच से हमारे पेक्टोरिस मेजर मसल के अपर फाइबर स्ट्रेच होंगे। आप इस स्ट्रेच को 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज के लिए आपकी स्टार्टिंग पोजीशन कुछ इस प्रकार होगी। अब यहाँ से आप लंबी गहरी नाक से सांस लें और मुंह से सांस को छोड़ते हुए अपने ऊपर वाले हाथ और गर्दन को पीछे की तरफ रोटेट करें। आपका नीचे वाला हाथ और ऊपर वाले पैर का घुटना
फ्लोर के कॉन्टैक्ट में बना रहना चाहिए। इस एक्सरसाइज से हमारे थोरेसिक स्पाइन की मोबिलिटी इम्प्रूव होती है। इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस आपको दोनों हाथों से करने हैं। इस स्ट्रेच में आपकी स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह रहेगी। इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए नीचे वाले हाथ से स्टिक को आगे की ओर खींचें। एंड पोजीशन को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 3 बार इस स्ट्रेच को रिपीट करें। इस स्ट्रेच से सबस्कैपुलरिस मसल स्ट्रेच होगी। इस एक्सरसाइज में आपको उल्टा लेटकर अपने दोनों हाथों को जमीन से ऊपर उठाना है। आप इस पोजीशन को 5 सेकंड तक होल्ड करें और 10 रेपिटेशन के 1 से 2 सेट्स करें। आपके हाथों की पोजीशन इस तरह रहेगी। आपके अंगूठे एक्सरसाइज के दौरान ऊपर की तरफ रहेंगे। प्रोन टी रेज एक्सरसाइज के लिए आप उल्टे लेट जाएं और अपने हाथों को 90 डिग्रीज पर ले जाकर फ्लोर से ऊपर उठाएं। ऊपर आप इस पोजीशन को 2 से 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 5 से 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स में आप परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज से मिडिल ट्रेपीजियस मसल एक्टिवेट होता है और साथ ही साथ स्ट्रेंथन भी होता है। इस एक्सरसाइज में आप एक रेजिस्टेंस बैंड को दोनों एंड से पकड़ लें, अपनी स्पाइन और गर्दन को सीधा रखें। स्टार्टिंग पोजीशन में आपके दोनों जो अंगूठे हैं वो सामने की तरफ रहेंगे। अब इस पोजीशन से बैंड को खींचते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर पीछे की ओर लेकर जाएं। मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने अंगूठों को पीछे की तरफ एक्सटर्नली रोटेट करना है। इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप साइड लाइंग पोजीशन में लेट जाएं और अपने ऊपर वाले हाथ को 90 डिग्री पर इस तरह मोड़ लें और अब आप इस तरह एक्सटर्नल रोटेशन में अपने ऊपर वाले हाथ को लेकर जाएं। आपको इस एक्सरसाइज में बहुत लाइट वेट के डंबल का इस्तेमाल करना है। इस एक्सरसाइज से रोटेटर कफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक लाइट डंबल को हाथ में लेकर कोहनी को मोड़ें और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ नीचे लेकर आएं। जब आप कंट्रोल के साथ डंबल को नीचे लाएंगे तब बाइसेप्स की इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज को हम बाइसेप्स कर्ल्स कहते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों पैरों पर और हाथों पर इस तरीके से आ जाएं। अब अपनी एल्बोस को लॉक करते हुए आपकी जो मूवमेंट है वो सिर्फ ट्रंक पर होगी। आप अपने धड़ को ऊपर की ओर लेकर जाएं और नीचे आते वक्त सांस छोड़ें। इस एक्सरसाइज को हम स्कैपुलर पुशअप कहते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल स्ट्रेंथन होता है। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 सेट्स कर सकते हैं।